नवरात्रि का आज चौथा दिन है और गुजरात में जिस तरह से डांडिया होते हैं और गरबा होते हैं वो पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया में उसकी ख्याति फैलती रही है। और अब भी जो भी यहाँ पर भारत में आता है डांडिया के नाम पे या गरबों के नाम पे सबसे पहले वो गुजरात जाता है और उस धरती पर नमन करता है, माता जी को नमन करता है और उस डांडिये को गरबे को देखकर अभिभूत हो जाता है। हम आए हैं गुजराती समाज के भवन में, जिलों की नगरी उदयपुर में है ये। और यहाँ पर जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी तरह से गुजराती वैभव इन बहनों पर छाया हुआ है और पारंपरिक वेशभूषा में इन्होंने गरबा खेले हैं। चाहे वो गुजराती के रूप में कहीं पर भी रहे देश और दुनिया के कोनों में, लेकिन उनका ये पारंपरिक पहनावा और पारंपरिक लोक नृत्य और पारंपरिक जो संस्कृति है वो भूलते नहीं हैं। सभी अपनी संस्कृति को यहाँ पर विरासत के रूप में पूजते हैं और इसी से सभी अभिभूत हैं। हमारे साथ में गुजराती समाज के अध्यक्ष हैं राजेश भाई मेहता, बहुत ही जुझारू हैं ये और समाज के लिए पूर्ण योगदान देते रहते हैं और इस उम्र में भी एक युवा की तरह कार्य करते हैं। बताओ क्या आयोजन कर रहे हैं और क्या किस तरह का उत्साह है अब की बार इन सभी जनों में? सबसे पहले तो उदयपुर गुजराती समाज के प्रांगण में जो गरबा का आयोजन हो रहा है सभी को मैं बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। उदयपुर गुजराती समाज में 2 साल कोरोना की वजह से गरबा का आयोजन नहीं हुआ था। इस साल बड़ी भव्यता से, बड़ी धूमधाम से गुजरात की परंपरा मुजब आप देख रहे हो, आपको ऐसा चित्र और ऐसा दृश्य उदयपुर में कहीं नहीं मिलेगा। उदयपुर गुजराती समाज के जो भी माताओं बहनों का जो गरबा कर रहे हैं एक अलौकिक है। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। हमारे यहाँ जो गरबे आप अभी देखने आए हैं, हम यहाँ पे हमारे बिल्कुल परंपरा से होते हैं, बिना चप्पल के होते हैं। कोई भी छोटा बच्चा भी हमारे यहाँ पे चप्पल पहन के नहीं आता है। हम 9 दिन यहाँ पे गरबे रमते हैं और अष्टमी के दिन बालिकाओं का यानी कि छोटी कन्याओं का यहाँ पूजन भी होता है। जिस तरह से आप देख रहे हैं गुजराती समाज का जो वैभव है वो पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त है और अब की बार भी इन्होंने ख्याति पाई है। आप बताओ कहाँ आपने ख्याति प्राप्त की है और किस तरह से आप खेलते हैं बताओ। सर, पारंपरिक जो गरबा है वही हमारे लिए हमारी धरा है, मुख्य धरा। हमारा जो इतने समय से जो हमारे पूर्वज खेलते आए उसी हिसाब से हम खेलते आए और उसी परंपरा को हमें कायम रखना है। आप बताओ क्या महिलाओं में कितना उत्साह है? महिलाओं में बहुत उत्साह है। एक गृहिणी होते हुए भी हम पूरी तरह से सारी जिम्मेदारी निभाते हुए माता की महिमा गाते रहते हैं और हमें हर्षोल्लास से इतना आनंद मिलता है कि पूरे सज धज के हम एक साथ एकजुट होकर हम सब साथ में मिलके ऐसे पारंपरिक हमारी पूरी परंपरा हमारी पूरी संस्कृति निभाते आए हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। हाँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं पूरी तरह से ये गुजराती संस्कृति में लबरेज हैं और इन्होंने पहनावा जिस तरह से पहन रखा है काठियावाड़ी पहनावा है, पूरा काठियावाड़ी पहनावे में ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप बताओ क्या आप मंगल कामना कर रहे हैं माता से? हम मंगल कामना यही कर रहे हैं कि जो 2 साल हमने कोरोना में गुजारे हैं आगे ऐसी कोई मुसीबत ना आए और हम हर साल इसी तरह से गरबा खेलते रहे। माता से यही प्रार्थना है कि हमें इसी तरह से एक साथ में रखे और सबके लिए मनोकामना। आप बताओ आप क्या कहना चाहते हो? बस 9 दिन हम बहुत अच्छे से यहाँ पे एकजुट होके गरबा रास करेंगे और खूब एंजॉय करेंगे। जय अम्बे माता की। आप बताओ किस तरह का उत्साह? बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ बसे गुजराती वहाँ वहाँ गुजरात। हम पूरे उत्साह से 2 साल बाद कोरोना के बाद हम लोग खेल रहे हैं तो बड़े बस सब में बहुत उत्साह है, सब बड़े उत्साह से भाग ले। मैं आपका और क्या कहना? सत्यवती जैनू, यहाँ गरबा खेल के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Yeah.
नवरात्र का यह चौथा दिन है और चौथे दिन पांडालों की रंगत और खूब जमी है। विशेष करके गुजराती समाज के अगर लोग गरबा खेले तो उसकी रंगत तो दुगुनी हो जाती है, और दुगुनी नहीं 10 गुनी और 100 गुनी गरबे में लगती हैं। काठियावाड़ी वेशभूषा में ये महिलाएं गुजराती गरबा खेल रही हैं और पूरी तरह से परिधानों में सज्जित हैं। गुजराती काठियावाड़ी ये परिधान पहनकर माता को रिझा रही हैं और खूब कामनाएं कर रही हैं कि इस बार माता का खूब आशीर्वाद रहा और धूमधाम से गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी पांडालों में रौनक ही रौनक दिख रही हैं, सभी सज धज कर आ रहे हैं और गरबा जमकर खेल रहे हैं। वहीं गुजराती समाज का यह दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। झीलों की नगरी उदयपुर में गुजराती समाज का भवन है और यहाँ महिलाएं और पुरुष गरबा खेलते आपको नज़र आ रहे हैं। विशेष रूप से ये गरबा महोत्सव गुजराती परंपरा अनुसार होते हैं और कई वर्षों से ये गरबे उदयपुर में आयोजित हो रहे हैं। यहाँ गुजराती समाज के लोग जो हैं बड़े हर्षोल्लास के साथ में विविध रूपों में सज धज कर आते हैं और माता को विविध स्तुतियां, प्रार्थनाएं और गरबे गाकर और नृत्य करके रिझाते हैं। यहाँ गुजराती समाज के विविध आयोजन होते हैं वर्ष भर में और ये समाज पूरी तरह से यहाँ लगदग सजावट करता है। प्रतिवर्ष नवरात्रा पर 9 दिन तक पारंपरिक रूप से ये गरबे सजाए जाते हैं और विविध रूपों में माँ की झांकी आप दर्शन के रूप में देख रहे हैं। यहाँ पर आकर सभी नमन करते हैं माता जी को और फिर शुरू होता है गरबे का उल्लास और जमकर महिलाएं हो, पुरुष हो या बाल गोपाल हो, सभी यहाँ पर जमकर नृत्य करते हैं और महाआरती का आयोजन होता है। समापन पर प्रतिदिन विविध रूपों में गरबे के आयोजन होते हैं, विभिन्न कार्यक्रम होते हैं और प्रतियोगिताएं भी होती हैं। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं पूरी रंगत है पांडाल में और जमकर ये महिलाएं गुजराती परंपरा में गरबा खेल रही हैं। इस परंपरा में डांडिया का महत्व नहीं है जितना कि हाथ से ये गरबा खेल रही हैं महिलाएं। काठियावाड़ी वेशभूषा में ये सजी धजी महिलाएं हैं और खूब माता को रिझा रही हैं नृत्य करके, और पुरुष भी पीछे नहीं हैं, वह भी पूरी तरह से पारंपरिक रूप में नहीं तो अपने आधुनिक रूप में भी माता को रिझा रहे हैं। और यहाँ महिलाओं के साथ सहभागी बनकर गरबा खेल रहे हैं। प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है और पारंपरिक रूप से ये महिलाएं प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन में ठाट बाट से भाग लेती हैं। गुजराती समाज पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्था में जुटा हुआ है। दूसरी ओर नवरात्रि के अवसर पर शहरों के पांडालों पर नज़र डालें तो अब देखेंगे कि पांडाल में अब जो रंगत हैं वो चौगुनी बड़ी हैं और महिलाएं विशेष करके इन पांडालों में भारी मात्रा में शिरकत कर रही हैं और बच्चे उनके साथ खूब जमकर थिरक रहे हैं और माता को रिझा रहे हैं। यहाँ कई पांडाल
ऐसे हैं जो पारंपरिक रूप से गरबा नृत्यों में विश्वास रखते हैं, न जूते चप्पल पहनते हैं और न किसी रूप में कोई फुहड़ गाने चलाते हैं। फिल्मी गानों के वजह से खूब किरकिरी भी हुई पांडालों की और फिर सबने एक समूह रूप में संकल्प लिया कि अब से पांडालों में फिल्मी गाने नहीं बजाए जाएंगे और न ही कोई जूता चप्पल पहनकर खेलेगा। ऐसा ही संकल्प हमारे हर पांडाल में देखने को मिले और सभी के मन में एक माता के प्रति आस्था और विश्वास के रूप में जो डोरी बंधी हुई है वो डोरी एकदम मजबूत हुई और पांडालों में जो रौनक पहले दिखती थी उसे चौगुनी इस बार देखी है। कोरोना काल के चलते जिस तरह से माता और भक्तों के बीच में जो एक सांकेतिक ही आयोजन हो रहे थे, लेकिन इस बार खूब कृपा हुई माता की और खूब ठाट बाट से भक्त अब माताजी को रिझाने के लिए नृत्य कर रहे हैं। विभिन्न मुद्राओं में ये नृत्य हैं और पारंपरिक वेशभूषा पहनकर आए हैं। गरबा पांडाल भी लगभग विद्युत बिल्बावलियों से सजा हुआ है और ये आभूषण पहनकर जो महिलाएं आई हैं उनके दर्शन करते हैं भक्तगण और यहाँ पांडालों में जमकर डांडिया कर रही है, गरबा खेल रही हैं और देखने वाले भी आश्चर्य रूप में देख रहे हैं कि जिस श्रद्धा भाव से भक्तों ने इस बार पांडालों में माता को रिझाने का काम शुरू किया है वो अब परवान पर हैं और सभी भक्त यही मंगल कामना कर रहे हैं कि हर वर्ष ऐसा ही ठाट बाट में माता का गरबा हो और खूब माता सभी पर कृपा करे। आइए हम चलते हैं अब क्लबों में कि वहाँ पर किस प्रकार के आयोजन हो रहे हैं और क्या कह रही है आधुनिक रूप में सजी धजी महिलाएं और किस तरह के आयोजन हो रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। नवरात्रा महापर्व शक्ति के रूप में जाना जाता है और शक्ति महिलाओं के नाम से जानी जाती है। विशेष करके जो आयोजन नवरात्रा में होते हैं वो अपने आप में अद्भुत होते हैं और गरबा हो, देवी की पूजा अर्चना हो, लेकिन अब युग बदला है तो आधुनिक बन गई हैं नारियां और विशेष रूप से विविध आयोजन इस अवसर पर कराती हैं, चाहे सम्मान का हो, महिलाओं के सम्मान का यह आयोजन हो रहा है। By then President Mr. Ramnath Kovind ji. She is owner of Women Cricket Association in Tribal Aid. Yes. अरे सामने देखिए आप, मैम देखे काम। हमारे उदयपुर की शान है ये। Also, who has written a book is just 9 years old. We have so. Yes. Dean, would you like to recite a poem from your book? Yes. Huh? Say the story. One more. Yeah. There lived a boy named Abu. He belonged to a royal Arabian family and had a big house. And he loved to play in all the corners of his house.
हेलो टू एवरीवन यहाँ मेरे को इंट्रोड्यूस करा दिया, तो मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगी मेरे बारे में। तो मैं 3 साल की थी जब मैंने स्केटिंग स्टार्ट की थी और अभी मेरे को स्केटिंग करते करते 9 साल हो गए हैं। और मेरी जर्नी कुछ ऐसे स्टार्ट हुई थी, मेरे मम्मी पापा दोनों चाहते थे मैं स्पोर्ट्स पर्सन बनूँ, पापा टेनिस के लिए ले गए, मगर कोच ने बोला कि मेरे पाँव बहुत वीक है, इसको स्केटिंग या फिर रनिंग कराओ। तो मैंने बोला चलो स्केटिंग ट्राई करता। ऐसा ही जोश और ऐसा ही जज्बा हर महिलाएं अगर दिखाए देश के लिए तो देश की तकदीर बदलने में कोई समय नहीं लगेगा। और ऐसी ही महिलाओं का सम्मान ये महिला क्लब करते हैं। नवरात्रा का अवसर चल रहा है और सभी में उत्साह अपार हैं। सब जो जो भी महिलाएं विशेष रूप से अपने अपने क्षेत्र में कार्य कर रही हैं और देश का नाम ऊंचा कर रही हैं, उनको यहां सम्मानित किया जा रहा है। विविध रूपों में ये विविध क्षेत्रों में अपना नाम तो कर ही रही है, लेकिन परिवार का और समाज का और देश का नाम भी आगे बढ़ा रही हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये आयोजन ऐसे आयोजन हैं कि जो महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाने वाले आयोजन हैं, और जो भी महिलाएं विशेष रूप से अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं उन्हें विशेष सम्मान से यहाँ नवाजा जा रहा है। क्या कह रही हैं महिलाएं, आप भी देखें। हर प्राणी मात्र देश और दुनिया में कलयुग के प्रभाव से प्रभावित हैं, लेकिन ये समाज, ये संस्थाएं, ये संगठन अपने कार्यों के बलबूते से महिलाओं का सम्मान बढ़ा रहा है। और ऐसे समाज, ऐसे संगठन और ऐसी संस्थाओं को सभी का नमन कि वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, उल्लेखनीय। नवरात्र का आज 4th दिन है, आप बताएं किस तरह से ये उत्सव मनाया जाता है नवरात्रा, और क्या कहना है आपका? मैं कहना चाहूँगी, पहले तो नमस्ते जी। ये कहना चाहूँगी कि नवरात्रि तो एक एक्चुअली विमेन ओरिएंटेड ही मतलब त्यौहार है, और हर लेडी को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उसी में एक नव रूप है, तो इसको एकदम मन से मनाएं और खुशी से मनाएं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी माताओं और बहनों को मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई विश ऑल द गुड लक। आने वाला मंथ दिवाली का है, उसके बाद हम लोग फेस्टिविटीज़ का मंथ है पूरा, सो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबॉडी फॉर ऑल द न्यू एंडेवर्स इन लाइफ। तरफ से नवरात्रि एंड दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो सभी को। सबसे पहले नमस्ते। नवरात्रि एक बहुत पावन त्यौहार है, तो इसमें हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं। हम हर एक महिला में वो एक दुर्गा माता होती है, हम लोग वो हैं जो कुछ भी कर सकते हैं, तो हमें ये त्यौहार बहुत हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए। सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। क्या कुछ कर सकती है महिलाएं? महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं, मतलब जैसे मेरे को देख लो, मेरा सबसे बड़ा जो ड्रीम है वो ओलंपिक गोल्ड जीतना, और मेरा नवरात्रि वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट त्यौहार है। और माता कैसे, क्या प्रार्थना करते हो, क्या कामना करते हो? तो मैं यूजुअली यही प्रेयर करती हूँ कि बस मेरा ओलंपिक में सिलेक्शन हो जाए। वेरी गुड, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। आपको क्या माता से प्रार्थना करेंगे? माता से ये प्रार्थना करूंगी कि विश्व में हमेशा शांति बनी रहे, सभी स्वस्थ रहे, और ये जो कोरोना जैसी महामारी है हम आगे कभी नहीं देखें। माँ से यही प्रार्थना करती हूँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि आते ही महिलाओं के मन में उत्साह आ जाता है, नए नए कपड़े, नए नए व्यंजन, व्रत के व्यंजन,
और डांडिया खेलकर बहुत उत्साह और भक्ति का आनंद करती है। बच्चों में सब तरफ एक आनंद देखा जाता है। नवरात्र के बाद नवरात्रि एक लेडीज फंक्शन बोल सकते हैं, और नौ माताओं की पूजा के लिए हमें बहुत अच्छे से हर डे मैनेज करके और अच्छे से भगवान की पूजा और ये करके और नवरात्रि का फेस्टिवल हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। नवरात्रि बहुत बड़ा महापर्व है और हम बहुत एंजॉय करते हैं 9 दिन, और यही कामना करते हैं कि सभी खुश रहे नवरात्रि में। नवरात्र तो माँ दुर्गा का ही त्यौहार होता है, और सारी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी और सौभाग्य की बात है कि लेडीज़ को इतना सम्मान दिया जाता है, चाहे माँ दुर्गा हो जो भी माँ हो। और नवरात्रों में कन्याएँ मतलब महिलाओं को बहुत सम्मान मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है ये त्यौहार मनाना, और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। नवरात्रों में एक नई ऊर्जा का संचार होता है, क्योंकि श्राद्ध के बाद आता है, और हम हर बार हर चीज़ ये रोक के रखते हैं कि श्राद्ध के बाद ये करेंगे, श्राद्ध के बाद ये करेंगे। उसमें हर काम करने की एक उत्साह होती है, जो भी करना है लगता है नवरात्र हो गई, चालू हो गई है तो चलो ये कर लिया जाए। नई ऊर्जा का संचार नवरात्रि। नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एंजॉय करें। थैंक यू। नवरात्र यानी देवी के 9 दिन, देवी के 9 स्वरूप को शत शत नमन और वंदन। ये देवी माँ खाली हमारे नारी शक्ति का ही प्रतीक नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अगर उनके अनुसार धर्म अनुसार अगर आचरण किया जाए और भोजन का ग्रहण किया जाए तो आने वाले जो शीत ऋतु है उसकी तैयारी होती है और हम सब निरोग रह सकते हैं। तो एक शक्ति का ही नहीं, ये उत्सव है, ये त्यौहार है, ये हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जय माता दी। नवरात्रि जो माँ शक्ति का रूप है, वो शक्ति हम में भी आए और इसी तरह से हम गतिमान रहे 9 दिन में। जिस तरीके से हमारे मन में अच्छे अच्छे भावना आती है, पूरे साल हम ऐसे ही पवित्र भावनाओं से भरे रहे। हमारा आने वाला समय बहुत अच्छा रहे, मनाए हर्ष कूट से। बिल्कुल बिल्कुल। और 9 दिन बहुत जय माता दी। हो सके तो हम 9 दिन ही माता जी के दर्शन करने पहाड़ों पे जाए। तो हमारा आज हार्ड डे है, तो हार्ड भी अच्छा रहे और चलते रहे, बस थोड़ी समय की कमी है, वो समय भी माता हमको उपलब्ध करे। क्या कहना, नवरात्रि मेरे लिए तो फुल ऑफ सरप्राइजेज होती है, हमेशा ही बहुत खुशियाँ सरप्राइज। मन्नत जो पूरी हुई है मेरी इस बार, हमेशा वो मैं बयान नहीं कर सकती। माता जी की जो आशीर्वाद कृपा बनी है मेरे पे, मैं प्रार्थना करती हूँ सब पे ऐसी कृपा बनी रहे। और जो माता जी का जो क्रेज़ है, और इस साल जो क्रेज़ डांडिया का माता जी के करने का मज़ा आएगा वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ। 3 साल से इसको हम बहुत मिस कर रहे थे। इस नवरात्रि में तो झूम के नाचने वाले हैं, झूम के डांडिया करने वाले हैं, और आई होप कि सब लोग ऐसे ही करने वाले हैं। सबको माता जी का आशीर्वाद बना रहे और सबके ऊपर माता जी की कृपा रहे। बहुत खुशियाँ सबके घर में आए और सब इस कोरोना काल से निपट जाए। बस अब कुछ भी नहीं हो, अच्छा ही अच्छा हो, बुरा कुछ भी नहीं हो, कोरोना का नाम भी इस देश में नहीं होना चाहिए। मैं माता जी से बस यही प्रार्थना करती हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है कि माता जी इस कोरोना को इंडिया से और पूरी दुनिया से भगा देंगे। ये आज नवरात्र का आज 4th दिन है, ये स्कंद माता के नाम से जाना जाता है, आज का दिन चतुर्थ दिन। और नवरात्र में ये हमें इतनी ऊर्जा देता है, विशेष तौर से महिलाओं को, क्योंकि ये एक माताओं के नाम से है, तो माता बेटी पुत्री इन सब के लिए एक अजीब सी ऊर्जा इसमें आ जाती है। हम नौ ही दिन पूरी ऊर्जा के साथ हम गरबा करते हैं, ये आध्यात्मिक ऊर्जा भी देता है। और सशक्तिकरण के मामले में भी अगर हम सोचे हैं तो इसका बहुत महत्व है। तेरी यारी को मैंने तो खुदा